तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, किम छो, आदाब, जय श्री राम, हरन महादेव। स्वागत है आप सभी के न्यू वाले व्लॉग में। तो गाइस रेडी हो गए, भगवान जी को हमने कर लिया प्रणाम। और गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है जब से मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि सुबह 4 बजे से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि छठ मैया का आज जो तीसरा दिन होता है, जब उगते हुए सूरज को कोसी भर के और फिर विदा किया जाता है और अर्घ चढ़ाया जाता है, तो 4 बजे सुबह से व्लॉगिंग हो रही है छठ पूजा की। और साथ साथ में हमारे मम्मी जी ये हैं और हमारे पापा जी ये बैठे हुए हैं। जय सियाराम, हर हर महादेव दोस्तों। और ये महाकाल जी का दर्शन करिए और चलिए चलते हैं छठ घाट पे और माता रानी को मनाते हैं, प्रणाम करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीन में। बने रहना और एंजॉय करिए, और सीन अच्छे लगे तो आप प्लीज शेयर करें और सपोर्ट करें। जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, अभी अपन आए हैं घर से बाहर। अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं। छठ पूजा का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य है। आप देखिए पहले तो सब जगह दीपक चारों ओर जल रहा और सभी लोगों का जो गन्ना है सजा हुआ है। और उस तरफ देखो तो ये घाट भी सजा हुआ है जहाँ पे अर्घ देंगे अभी सूर्य देव जब करेंगे। तो एक बार वाला अर्घ तो हो चुका है जो सूर्यदेव अस्त होते जब देते हैं, मगर अब जब सूर्यदेव उगेंगे जब दिया जाएगा। और ये जो कोसी भराई जाती है उसका वो जो पूजन है वो हो रहा है। अभी काफी लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं एकदम प्रातः काल के और बड़ा अद्भुत दृश्य। जय हो छठी मैया की। और आप सभी लोग भी वीडियो लाइक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, अभी अपन आ गए हैं छठ घाट पर बांसे बजने में और बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही भक्तिमय ये समागम है सभी माताएं बहने। और अभी कुछ देर बाद आप सुनोगे मेरी आवाज़ में मन संचालन। भैया
हाँ जी गाइस, चलिए आ गए हैं घर एंड भगवान जी को हमने कर लिया है प्रणाम। एंड हमारे मम्मी जी का किचन में चल रहा है काम। तो गाइस, आज ये छठी मैया का प्रसाद आया है मेरे घर। तो देखिए गाइस, इतना प्रसाद है, ये पूरा प्रसाद है, ये है मिठाई। ये जो है प्रसाद, दो तीन दिन तक खाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा। इतना प्रसाद लोग चाहने वाले, हमारे अर्पित नाना भोपाली के चाहने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, सारे लोग छठी मैया का जिन्होंने पूजा करी है, उनके उनके घर से हमारे घर इतना प्रसाद आया है। तो देखिए गाइस, इसमें बहुत सारे आइटम हैं, और ये पाइनएप्पल भी है, गन्ना है, और ये सारे फल है, ये सब छठी मैया का प्रसाद है। तो छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, और सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी तरह संपन्न जैसे मेरे घर प्रसाद आया है। सारे पूर्ण विश्व में जितने भी लोग हैं हमारे बिहार के, सब स्वस्थ रहे और इसी तरह पूजा पाठ करते रहे, और गाइस इसी तरह सबके घर प्रसाद भी मिले, और छठी मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय सियाराम, हर हर महादेव। तो हाँ गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से आप सभी को एक बार छठ पूजा की, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर, मेरे चैनल पर, मेरे परिवार पर बना के रखना। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग अगर अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं तो आप लोगों का दिल से आभार। और अगर किसी के रेफरेंस से या व्हाट्सएप के जरिए आपके पास ये वीडियो आया है तो प्लीज गाइस, जाने के पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बगल में बनी घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फटाक से अगली बार मिल जाएगा। और हाँ गाइस, ये जो नाम लिखा आ रहा है अर्पित नाना भोपाली, ये आपके भाई का नाम है। इस नाम को इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सभी ऐप पे जाके सर्च करना, वहां भी फॉलो करना। मैं अच्छे अच्छे रील्स एंड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकते हैं। तो गाइस, अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखना। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से विषय, अच्छे से कंटेंट के साथ में। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, किम छो आदाब, जय सियाराम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, छठी मैया की जय।